ये है पोप अलेक्जेंडर VI, जो लेट 15 सेंचुरी में पोप थे, यानी कि कैथोलिक चर्च के लीडर। उनका दौर बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल था, इसी वजह से ही नहीं क्योंकि उनकी कई मिस्ट्रेसेस यानी कि रखेल थी, बल्कि इसकी वजह से भी क्योंकि उनके दौर में नेपोटिज्म बहुत हद तक बढ़ गया था। इसके बावजूद कि उनके बेटे के पास कोई मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने अपने बेटे हुआन को एक गवर्नर बना दिया था। उनका ओरिजिनल सरनेम बोर्जुआ एक रिप्रेजेंटेशन बन गया था करप्शन और नेपोटिज्म का। नेपोटिज्म का शब्द एक 14th या 15th सेंचुरी के इटालियन वर्ड से ओरिजिनेट करता है, नेपोटिज्मो, जो यूज किया गया था ये डिस्क्राइब करने के लिए जब एक पोप अपने रिश्तेदारों को चर्च में अपॉइंट करता था। और मॉडर्न टाइम में वर्ड तब यूज किया जाता है जब हम ये मानते हैं कि एक इंडिविजुअल ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करता है एक पोजीशन में जिनमें इतनी क्षमता नहीं होती, बल्कि बस इस वजह से क्योंकि वो उनको जानते हैं, और वो इंडिविजुअल उनका रिलेटिव हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या उनकी कम्युनिटी का हो सकता है। ये गूगल सर्च डेटा है नेपोटिज्म इन बॉलीवुड का लास्ट 5 सालों का, और इसमें उछाल हुआ था बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, जब लोग ये डिस्कस करने लग गए कि उनकी डेथ के पीछे नेपोटिज्म एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेपोटिज्म होता क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और इसको हम कैसे डील कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी में। ये वीडियो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बारे में स्पेकुलेट नहीं करेगा, बल्कि ये वीडियो बस डिस्कस करेगा नेपोटिज्म की रूट कॉजेस के बारे में। जब भी इंडिया में नेपोटिज्म के बारे में बात होती है तो दो इंडस्ट्री सामने आती है, एक पॉलिटिक्स और दूसरा बॉलीवुड। ये फोटो शायद सबसे फेमस एग्जाम्पल है नेपोटिज्म का, जिसमें 2 प्राइम मिनिस्टर, 4 पार्टी प्रेसिडेंट और 6 MP हैं। पर गांधी फैमिली बस एक ही एग्जाम्पल है। कंचन चंद्रा जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनके डेटा के हिसाब से कम 20% MPs इंडिया में 2004 से 2014 के इलेक्शन तक डायनेस्टिक फैमिली से थे। बॉलीवुड पर कोई क्लियर डेटा नहीं है, पर अगर हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो नेपोटिज्म वाइड स्प्रेड है, और नेपोटिज्म कई और एरियाज में भी पाया जा सकता है इंडियन सोसाइटी में। 2016 में टॉप 20 में से 15 बिजनेस ग्रुप्स फैमिली ओन्ड थे। इंडियन लीगल सिस्टम और मेडिसिन फील्ड में भी नेपोटिज्म पाया जा सकता है। और नेपोटिज्म कोई इंडियन फिनोमेनन नहीं है, साउथ कोरिया, US, सेंट्रल एशिया, कई रीजन्स में नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में। यहाँ तक कि नेपोटिज्म हेल्थ रिसर्चर्स की पब्लिकेशन और इटली में एकेडेमिया में भी पाया गया है। नेपोटिज्म के नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ऑब्वियस है। इसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल की फैमिली या फिर सोशल ग्रुप को ही फायदा होता है और ब्रॉडर सोसाइटी को नहीं होता। हम हमारी सोसाइटी को एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी बनाना चाहते हैं, या किसी भी इंडिविजुअल की क्षमता के बेसिस पर, यानी कि एबिलिटी के बेसिस पर उनको रिवॉर्ड मिले, और ना कि उनके कनेक्शंस के बेसिस पर, और नेपोटिज्म इसके पूरा खिलाफ है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, और वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे देश की रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मुंबई की आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट्स अलॉट किए जा रहे थे वॉर हीरोज या फिर उन विडोज के लिए जिनके हस्बैंड्स ने कुर्बानी दी थी कारगिल वॉर के दौरान, पर ये फ्लैट ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के रिलेटिव्स को दिए जा रहे थे। हरियाणा में एक वाइड स्प्रेड बिलीफ था कि सबसे ज्यादा जॉब्स आदमपुर, तोशम, नरवाना और किलोई जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों को दी जा रही थी जिनको हरियाणा के मेन पॉलिटिशियंस रिप्रेजेंट कर रहे थे। और दूसरे देशों से नेपोटिज्म के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में रिसर्च भी है। जैसे इटली की रिसर्च स्टडी ने ये दिखाया कि एक परिवार जिसमें एक पॉलिटिशियन होता है उनकी इनकम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है उसकी वजह से। दूसरी स्टडी से ये पता चला कि अगर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनकी सोसाइटी में नेपोटिज्म ज्यादा है तो उनका पढ़ने के लिए मोटिवेशन और कम हो जाता है। इजिप्ट की टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर स्टडी ने हमें ये दिखाया कि नेपोटिज्म की वजह से एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। जैसे हमने पोप अलेक्जेंडर VI के एग्जाम्पल से देखा कि नेपोटिज्म कोई नई चीज तो नहीं है, और दूसरी बात नेपोटिज्म कोई इंडिया स्पेसिफिक चीज भी नहीं है, इसी वजह से उसके कारण भी इंडिया स्पेसिफिक नहीं हो सकते। एक कारण नेपोटिज्म के पीछे है एवोल्यूशन। इसके बारे में एडम बेलो ने अपनी बुक में बात करी थी। एवोल्यूशन की स्टडी के हिसाब से मेल स्पीशीज का ऑब्जेक्टिव होता है अपने जीन्स फैलाना, और वो ऐसा कर सकते हैं कई फीमेल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करके ताकि वो कई बच्चों को जन्म दे सके। बेलो ने ये बताया कि जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए और उनके ब्रेन के साइज बढ़े, जो फीमेल पेल्विक साइज था वो डिक्रीज होने लगा। इसकी वजह से महिलाओं के लिए रिप्रोड्यूस करना और मुश्किल हो गया था, तो वो महिलाएं जो बच्चों के सर के डेवलपमेंट के पहले ही उनको जन्म दे सकती थी वो ज्यादा सक्सेसफुल थी रिप्रोडक्शन में। इसका मतलब ये भी था कि एक ह्यूमन चाइल्ड का ब्रेन
फुल्ली डेवलप नहीं करता था उनके जन्म से पहले और उनको सपोर्ट की जरूरत होती थी। इसीलिए महिलाएं उन मर्दों को प्रेफर करती थी जो अपने बच्चों की केयर में टाइम इन्वेस्ट करते थे। तो जहां एक मर्द ट्राई कर सकता था कि उनके ज्यादा से ज्यादा फीमेल सेक्सुअल पार्टनर्स होए, ये कंफर्म करने के लिए कि उनके जो बच्चे होते भी हैं वो हमारी दुनिया में सर्वाइव कर पाए, उनको अपने बच्चे और बच्चे की माँ के साथ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था। और ये रीजन है फैमिली रिलेटेड नेपोटिज्म का। फैमिली की तरह ह्यूमंस अपनी कम्युनिटी को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वो कम्युनिटी रिलीजियस हो, एथनिक हो या फिर कास्ट हो, क्योंकि ह्यूमंस बहुत ही सोशल स्पीशीज है। ये इंडियन सोसाइटी में और जरूरी हो जाता है जहाँ कम्युनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे माइग्रेशन का उदाहरण लीजिए, 2016 के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से इंडिया में 10 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स थे। कुछ रिसर्चर्स ने दिल्ली के माइग्रेंट्स के बारे में रिसर्च करी थी और ये पता लगा था कि 86% वर्कर्स के या तो रिश्तेदार या फिर गांव वाले दिल्ली में थे, और ऑलमोस्ट उन सभी वर्कर्स ने उनके रिश्तेदार या फिर गांव वालों को अप्रोच किया था दिल्ली में मदद मांगने के लिए। ये मदद मेनली थी कमरे, खाने और काम के लिए। ऐसी कम्युनिटी बस मजदूरों को ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन को भी हेल्प करती है। इंडिया में कई कम्युनिटीज जैसे सिंधीज और मारवाड़ीज ने अपने कम्युनिटी नेटवर्क्स यूज करे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। पर ऐसे कम्युनिटी नेटवर्क्स का मेन फायदा होता है कि वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो गूगल करने से नहीं मिलती। मुंबई की सिंधी बिजनेस कम्युनिटी के बीच ऐसे इन्फॉर्मेशन फ्लो की वजह से ही एक सिंधी बिजनेस कम्युनिटी डेवलप कर पाई थी हांगकांग में। कई सालों से कास्ट मेंबर्स एक दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प देते आ रहे हैं कैश ट्रांसफर्स की वजह से। एक सर्वे से ये पता चला कि 20% लोगों को पैसे मिले हैं अपनी कास्ट से, चाहे वो गिफ्ट्स हो या फिर लोन्स हो। इसी वजह से हमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हमारा नेटवर्क बहुत मायने रखता है। एक सर्वे के हिसाब से 88% इंडियन प्रोफेशनल्स कनेक्शंस को बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं। नेपोटिज्म के पीछे एक और कारण हो सकते हैं सर्च कॉस्ट और अनऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप ये मानिए कि आपको एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है अपने ऑफिस में। एक तरीका है हायर करने के लिए कि आप किसी वेबसाइट में एक जॉब पोस्टिंग करेंगे, सारी एप्लीकेशंस को रिव्यू करेंगे, कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करेंगे और फिर एक जॉब ऑफर देंगे। इसमें आपकी कंपनी की सर्च कॉस्ट बहुत हाई होंगी, यानी कि जितना टाइम और एफर्ट आपको देना होगा एक कैंडिडेट को ढूंढने के लिए। इसके अलावा एक रेज्यूमे में आप ग्रेड्स और स्कूल तो देख सकते हैं, पर कई अनऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे भरोसा और हार्डवर्क आप जांच नहीं सकते किसी के रेज्यूमे से। अपनी सर्च कॉस्ट को कम करने के लिए और अनऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के डर को हटाने के लिए लोग अपने नेटवर्क पर डिपेंड करते हैं। इसलिए अगर आपका दोस्त ये बोलता है कि उनकी बेटी एक बहुत अच्छी रिसेप्शनिस्ट है, तो आप उन पर भरोसा कर लेंगे और उनको हायर कर लेंगे। जहाँ फैमिली रिलेटेड नेपोटिज्म हम एवोल्यूशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कम्युनिटी रिलेटेड नेपोटिज्म को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्विड प्रो क्वो से। इसका मतलब ये होता है कि आज अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो शायद कल अगर मुझे ज़रूरत होगी तो आप मेरी मदद करेंगे। और ऐसे नेपोटिज्म के कई प्रैक्टिकल एडवांटेजेस भी हो सकती हैं। ऐसे कुछ रिसर्चर्स ने ये आर्ग्यू किया था कि दो टाइप के नेपोटिज्म होते हैं, रेसिप्रोकल और इंटाइटलमेंट। और रेसिप्रोकल नेपोटिज्म कुछ फैमिली बिजनेसेस में बहुत हेल्प कर सकता है। ऐसी कई तरीके की जानकारी होती है जो किसी किताब में नहीं पाई जा सकती, वो बस ओवर टाइम ही सीखी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार के एक छोले भटूरे की दुकान है, अब छोला भटूरा कैसे बनाया जाता है वो किसी किताब में क्लियरली नहीं लिखा है, वो बस सीखा जा सकता है एक दूसरे से। ऐसे बिजनेसेस में जब एम्प्लॉयज को सीक्रेट रेसिपी पता चल जाती है तो उनकी कम चांस होती है कि वो कंपनी छोड़कर किसी और को उस रेसिपी के बारे में बता देंगी अगर वो फैमिली मेंबर ही है, क्योंकि वो उस बिजनेस में बस पैसे के लिए नहीं है बल्कि अपनी सोशल टाइज या फिर कम्युनिटी की वजह से है। नेपोटिज्म के ऐसे ही एडवांटेज हम इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं। इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री में डायमंड्स खरीदे जाते हैं मोस्टली बेल्जियम से, उनको फिर पॉलिश किया जाता है और फिर उनको बेचा जाता है या तो इंडियन मार्केट में या फिर दूसरी मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है। जब इंडियन बिजनेसेस डायमंड्स खरीदते हैं बेल्जियम से तो वो डायरेक्ट कैश एक्सचेंज नहीं करते बल्कि उधार पर लेते हैं, और जब लीगल कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह इन्फोर्स नहीं किया जा सकता तब एक इंटर कम्युनिटी ट्रस्ट सप्लायर और परचेजर में बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री में कुछ कम्युनिटी के लोग ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वही एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि नेपोटिज्म बहुत कॉमन है इंडियन सोसाइटी में, और उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब नेपोटिज्म को कम करने के लिए हमारी सोसाइटी में कोई एक सोल्यूशन नहीं है, और ये सोल्यूशंस भी डिफरेंट हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए। ऐसे बिजनेस कम्युनिटी में नेपोटिज्म को कम करने के लिए हमें लीगल सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा इंडिया के। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया की रैंक 190 कंट्रीज में लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर 163 है। एक और तरीका हो सकता है कि हम सभी लोगों के लिए एक लोन लेना इजी कर दें,
ताकि उनको अपनी कम्युनिटी पर निर्भर ना होना पड़े। फिर कंपनीज की सर्च कॉस्ट कम करने के लिए हम ऑनलाइन वेबसाइट्स जैसे monster.com पर निर्भर ज्यादा कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स में हमें उन पॉलिसी सॉल्यूशंस को कंसिडर करना चाहिए जिनकी वजह से पैसे की इम्पोर्टेंस कम हो सकती है, जबकि बॉलीवुड में हमें स्टार पावर की इम्पोर्टेंस कम करनी होगी। बॉलीवुड मूवीज में पैसा लगाते हैं प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए वो उन एक्टर्स को हायर करते हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो वो पैसे रिटर्न करने के लिए, और वो एक्टर्स होते हैं स्टार एक्टर्स। स्टार एक्टर्स को कास्ट करके कोई गारंटी नहीं है कि उनकी मूवी हिट ही होगी, पर उनका जो रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत कम हो जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि इंडिया में लोगों का डिसीजन कि उनको एक मूवी देखनी है या नहीं, वो उस मूवी की कास्ट पर बहुत हद तक डिपेंड करता है, पर ना कि बस उस मूवी की स्क्रिप्ट पर। और इंडिया में जो सुपर स्टार्स की एक भगवान जैसी इमेज है, वो स्टार पावर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जो हम एक पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। और जितना अटेंशन स्टार किड्स को मिलता है एक बहुत छोटी उम्र से ही कि उनकी इमेज ऑलरेडी लोगों के दिमाग में है, इसी वजह से जब वो किसी मूवी में कास्ट होते हैं तो प्रोड्यूसर को मार्केटिंग में बहुत मदद मिल जाती है, क्योंकि रेगुलरली उनके बारे में गॉसिप कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है। इसीलिए जब तक हम अपने आप में चेंजेस नहीं लाएंगे कि हम एंटरटेनमेंट गॉसिप कंटेंट को कैसे कंज्यूम करते हैं, या फिर हमारे डिसीजन जो हम लेते हैं एक मूवी देखने से पहले, तब तक बॉलीवुड में नेपोटिज्म कम नहीं होगा। जो हमें एक मॉरल आर्ग्यूमेंट पर लेकर आता है, हमें ये भी समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म और बॉलीवुड में नेपोटिज्म दो अलग चीजें हैं। पॉलिटिक्स में लोग पब्लिक गुड्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे टैक्स से, जबकि बॉलीवुड एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, इसलिए कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी एक्टर को कास्ट करे उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज किन कैंडिडेट्स को फील करती हैं वो पब्लिकली क्रिटिसाइज किया जा सकता है। इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि किसी बॉलीवुड प्रोड्यूसर या फिर प्राइवेट कंपनी के ओनर के लिए नेपोटिज्म हटाना कोई मजबूरन चीज़ नहीं है। इसके बावजूद कई लोग नेपोटिज्म के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और हमारी सोसाइटी को एक ज़्यादा मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी बना सकते हैं। और कुछ लोग इस मामले में कदम उठा भी रहे हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के ब्रदर इन लॉ ने एक टूल क्रिएट किया है नेपोमीटर, जो क्वांटिफाई करता है कि एक मूवी में कितना नेपोटिज्म है कुछ मेजर फैक्टर्स के बेसिस पर। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बस जिम्मेदारी किसी फिल्म प्रोड्यूसर या फिर किसी कंपनी ओनर की नहीं है, बल्कि हमारी भी है, हम जैसे कंज्यूमर्स की भी है। और जब तक हम अपनी प्रेफरेंसेस चेंज नहीं करेंगे, नेपोटिज्म कंटिन्यू करता ही रहेगा।